तारीख इस बात की गवाह है कि मुसलमानों पर हर दौर में तरह तरह के ल्म करके उन्हें अल्लाह की वहदानियत और ईमान से गाफिल करने की कोशिशें की गई हैं लेकिन जिसके दिल में खुदा बस जाता है वो अपना सब कुछ कुर्बान करके भी अपने सच्चे रब को कभी नहीं छोड़ता फिंग की बीवी जिसका नाम हजरत आसिया साम आप बादशाह मिस्र रैन बिन वलीद की औलाद में से थी और ये रैान बिन वलीद वही बादशाह थे जो हज़रत यूसुफ सलाम के दौर में बादशाह मिस्र थे और हजरत यूसुफ़ सलाम पर ईमान ले आए थे बताया जाता है कि फिरौन की जोजा हज़रत आसिया हसन व जमाल में बड़ा कमाल रखती थी जैसे कि आप शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी उस माल दौलत की कोई कमी नहीं थी ये पाक दामन ख़ातून फ़िरौन को नापसंद करती थी लेकिन चूँकि फिरौन उस वक्त के मिस्र का बादशाह था और उस खूबसूरत खातून के हुस्न व जमाल से मुतासर होकर जबरदस्ती उससे निकाह कर लिया था जबकि हजरत आसिया और उनके वालदेन को इस निकाह से ख़ुशी नहीं थी लेकिन हालात के शिकंजे में गिरफ्तार हजरत आसिया के वालदेन को ये कड़वा घोंट पीना पड़ गया था फिरौन को हुकूमत और सल्तनत कसरत माल व ज़र और ताकत के नशे ने हद से ज़्यादा मगरूर बना दिया था उसके नतीजे में उस काफिर ने बनी इसराइल के लोगों को अपना ग़ुलाम बना कर रखा था और उन पर हर तरह का जुल्म तम किया करता था जैसे कि फ़िरोन अपने आप को खुदा समझता था उस बाकी सब को वो अपना गुलाम मानता था वक्त अपनी रफ्तार के साथ चलता रहा दिन हफ़्तों में हफ़्ते महीने और महीने सालों में बदलते रहे और फिर वो वक्त आया जब हज़रत मूसा और हज़रत हारून सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और मिस्र की सरज़मीन ला ला अल्लाह के सदाओं से गूंज उठी अल्लाह ताला ने हज़रते मूसा और हज़रत हारन सलाम को फ़िरौन और उसकी कौम को दावत हक़ देने के लिए भेजा अल्लाह के उन पैग़म्बरों ने बनी इसराइल के लोगों को अल्लाह की वहदानियत की तरफ़ रागिब किया और लोगों को झूठे खुदाओं की परस्तिश करने से रोक रखा हज़रत मूसा ने फिरौन को तरह तरह के मुआजात दिखाए लेकिन उसके बाद भी ये लोग कुफ्र और सरकशी पर अड़े हुए थे अल्लाह ताला की वहदानियत का मुसलसल इनकार कर रहे थे उसके बावजूद हजरत मूसा उन्हें दावत हक़ देते रहे आखिरकार वो वक्त आया जब फिवौन हज़रत मूसा की इस तबलीग से तंग आ गया तो फिरौन ने यह ख्याल किया कि क्यों ना हज़रत मूसा को लोगों के सामने झूठा साबित किया जाए सोच विचार के बाद फ़िन ने इस काम के लिए एक ऐसा दिन मुकर किया कि जिस दिन मिस्र में बड़ा मेला लगता था और दूर दराज के लोग वहां आते थे चनाचा फ़िरन ने मिस्र के तमाम बड़े जादूगरों को भी बुलाया और हज़रत सलाम के दावों को झूठा साबित करने का हुक्म दिया जब मेले का वो दिन आया तो एक वसी वरीज़ मैदान को सजाया गया इधर फिरौन अपनी फिरोनीत के नशे में मखमूर होकर अपने आलीशान तख्त पर जा बैठा था और कसीर तादाद में लोग और बड़े जादूगर जमा हो चुके थे कि आज यहाँ हक और बातिल का मुकाबला होना था दूसरी तरफ अल्लाह ताला के नबी हज़रत मूसा सलाम और हज़रत हारून सलाम भी तशरीफ़ ला चुके थे हज़रत मूसा के चेहरे पर नूर व जलाल नजर आ रहा था चुनाचा उस अजीम मुकाबले का आगाज हुआ जादूगरों ने फिर की इज्ज़त की कसम खाकर अपने जादू की लाठियाँ और रस्सियाँ फेंकनी शुरू कर दीं और देखते ही देखते वो लाठियाँ और रस्सियाँ सांप बनकर ज़मीन पर रेंगने लगीं उन सांपों को देखकर पूरे मजमे में खौफ फैल गया लोगों में अफरा तफरी का आलम छा गया उधर फिरौन और उसके जादूगर अपनी कामयाबी पर खुश होकर तालियां बजाने लगे और फिर अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हज़रत मूसा सलाम को अपना असा फेंकने का हुक्म दिया हजरत मूसा आसलम ने जैसे ही अपना असा सांपों के हजूम में डाल दिया और देखते ही देखते आपका असा एक हेबतनाक अफदहा बन गया जिसने जादूगरों के तमाम छोटे छोटे सांपों को निगल लिया हक और बातिल का ये अज़ीम शान मंजर देख कर जादूगरों के दिल में ईमान का नूर चमकने लगा और तमाम जादूगर अल्लाह तबारक वताल की बारगाह में सजदे में गिर गए और अल्लाह की वहदानियत को कबूल कर लिया ये सारी कारगुज़ारी की ख़बर जब हज़रत आसिया को पहुंची तो उस वक्त आपके दिल में भी फौरन हक़ का नूर छलक उठा और आप भी अल्लाह ताला पर ईमान ले आई लेकिन उनका ईमान लाना इतना आसान नहीं था क्योंकि वो एक जाबिर और जालिम हुरान की बीवी थी हजरत आसिया शायद ये बात जानती थी कि अगर फिरौन को मेरे ईमान लाने का पता चल गया तो वो जालिम मुझ पर हर तरह का म करेगा उसके बावजूद भी हजरत आसिया ने अपनी इबादतें जारी रखी और बाकी मामला अल्लाह ताला की ज़ात को सौंपती कहा जाता है कि इब्तदाई दिनों में हज़रत आसिया अपना ईमान किसी पर भी जाहिर नहीं किया करती थी और वक्त यूं ही गुज़रता रहा फिर एक दिन ऐसा अजीब और गरीब वाक़ पेश आया कि जिसके बाद हज़रत आसिया के दिल में फिरौन के लिए नफ़रत की आग और भी ज़्यादा भड़क उठी चुनाचा वो इबरतनाक वाक़ कुछ यूं पेश आया कि फ़िरौन की बेटी की एक खादमा थी जो उनके सर पर कंगी किया करती थी एक दिन उन ख़ादमा के हाथ से कंगी गिर गई तो उस खादमा ने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर उस कंगी को उठाया और फ़िरौन की बेटी ने इन कलिमात को सुन लिया और फौरन जाकर फ़िरौन से उस ख़ादमा की शिकायत कर दी कि वो ख़ादमा आपके अलावा किसी और को खुदा मानती है ये बात सुनकर फ़िरौन गुस्से से पागल हो गया और उसने फौरन उस ख़ादमा को अपनी दरबार में बुलाया और कहा कि ए खादमा क्या तू मेरे अलावा किसी और को भी खुदा मानती है खादमा ने जवाब दिया कि जी हाँ मेरा और तेरा दोनों का रब अल्लाह जल शानहू है वो ला शरीक है चुनाचा, खादमा की ये बात सुनकर फ्रौन आग बगोला हो गया लिहाजा सजा के तौर पर खादमा और उसके बच्चों को कोलते हुए गर्म तेल में जिंदा डाल दिया ये मंजर हजरत आसिया भी देख रही थी उसी दौरान अल्लाह ताला की कुदरत की जलवागरी कुछ यूं हुई कि अल्लाह ताला ने हज़रत आसिया के आँखों से गैब के पर्दे उठा लिए और फिरौन की बीवी की दिल की आँखों को रोशन फरमा दिया हजरत आसिया क्या देखती है कि फ़रिश्ते उस खादमा की रूह को बच्चों समेत आसमान पर ले जा रहे हैं ये मंजर देखने के बाद फ़िरौन की बीवी का ईमान और मज़बूत हो गया और वो अल्लाह ताली से मज़द मोहब्बत करने लगी और हजरत मूसा की सदाक़त और हकानियत भी वाज़ हो गई इस खतरनाक मंजर को देखने के बाद फिरौन की बीवी सोच में पड़ गई कि मैं मुसलमान होने के बावजूद भी मुसलमानों पे किए जाने वाले जुल्म और सितम को कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ अभी हजरत आसिया इसी शशोपंज में थी कि फिरौन अपनी बीवी के पास आया और उस खादमा के साथ किए जाने वाले जुल्म और सितम की दास्तान अपनी बीवी के साथ करने लगा ये वही वक्त था जिसमें हज़रत आसिया ने फिरौन के खिलाफ बगावत का आलम बुलंद करने का पक्का इरादा कर लिया था जब फिरौन ने अपनी बीवी को उस मज़लूम ख़ादमा को शहीद करने की खबर दी तो हज़रत आसिया ने फरमाया कि किस चीज़ ने तुझे अल्लाह ताला के बारे में इतना बेबाक कर दिया है उनका ये कहना था और फिरौन एक बार फिर भड़क उठा और कहने लगा कि तुझे भी उस जुनून ने ले लिया है जिस जुनून में वो ख़ादमा थी हजरत आसिया ने जवाब दिया कि मुझे कोई जुनून नहीं आया मैं तो उस खुदा वहदहू ला शरीक पर ईमान ला चुकी हूँ जो मेरा और तेरा तमाम जहानों का सच्चा रब है फिरौन अपनी बीवी की ये बात सुनकर हैरान और परेशान रह गया और फिर अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करने लगा यहाँ तक कि हजरत आसिया के वालदेन को भी बुलाया और उन्हें धमकी देने लगा कि अगर तुम्हारी बेटी ने हज़रत मूसा के खुदा का इनकार ना किया तो ज़रूर ये मौत का मज़ा चखेगी चुनाचा हजरत आसिया के वालदे ने अपनी बेटी को तन्हाई में समझाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे हजरत आसिया का ईमान बहुत मजबूत हो चुका था आपने कहा कि मैं अल्लाह की वैदानियत का इनकार नहीं कर सकती बेशक वो सच्चा रब है जब फिरौन का ये हरबा भी नाकाम हो गया तो फिरौन ने अपनी बीवी को तरह तरह की अजियतें देने का इरादा कर लिया ताकि ये अपने ईमान से दूर हो जाए और मुझको खुदा मानने लगे रिवायतों में यह भी आता है कि हजरत आसिया के हाथों और पाओ में जंजीरें लगाकर सूरज की तरफ मुंह करके लटा दिया गया था और आपके सीने पर चक्की का भारी भरकम पत्थर रख दिया था ताकि आप हिल ना पाए उन तमाम तकालीफ और मसाइब के बावजूद भी उनका ईमान अटल रहा जब फिरौन ने पूछा कि क्या अब तू मुझे खुदा मानती है तो हज़रत आसिया ने ऐसा ईमान अफरोज़ जवाब दिया कि जिसके आगे फ़िरौन की सरकशी और जबर घुटने टेकने पर मजबूर हो गया आपने फ़रमाया कि ए दुश्मन खुदा और ालम इंसान तू मेरे वजूद पर तो कादिर हो सकता है लेकिन मेरा दिल अल्लाह की पनाह में है अगर तू मेरे हर हिस्से को काट भी दे तब भी मेरा अल्लाह से इश्क बढ़ता चला जाएगा एक रोज़ हजरत मूसा सलाम का वहाँ से गुजर हुआ तो हजरत आसिया ने आपसे पूछा कि ए मूसा क्या मेरा रब मुझसे राज़ी है तो हजरत मूसा ने इरशाद फरमाया था कि ए आसिया आसमान के फरिश्ते तेरे इंतज़ार में हैं और अल्लाह तेरे ईमान और तेरी कारगुज़ारी पर फख्र फरमाता है आप अल्लाह ताला की दरगाह में कोई हाजत कीजिए आपकी हाजत पूरी हो जाएगी उस वक्त हज़रत आसिया ने अल्लाह ताला की बारगाह में ये दर्दनाक दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना और मुझे फ़िरौन और उसके जुल्म से निजात दे दे। दूसरी तरफ फ़िरौन ने आखिरकार हज़रत आसिया को शहीद करने का फ़ैसला कर लिया और अपने कारिंदों से कहा कि एक बहुत बड़ी चट्टान ले आओ अगर ये चट्टान देख भी अपने ईमान पर कायम रहती है तो ये चट्टान इस पर गिरा दो हज़रत आसिया के लिए अब एक तरफ ज़िंदगी और दूसरी तरफ मौत थी आपने आसमान की तरफ एक निगाह उठाकर कर देखा तो जन्नत के अंदर अपना सफ़ेद मोतियों वाला महल नज़र आया जिससे आपका ईमान और बढ़ गया और उसी आलम में आपकी रूह परवाज कर दी जाती है और आपके बेरूह जिस्म में वो चट्टान गिरा दी जाती है और इसी तरह हजरत आसिया ने दुनिया की तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया और वैदानियत को नहीं छोड़ा अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ईमान की ऐसी पुख्तगी अता फरमाए आमीन